हेलो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं स्किन। ये भी आपका एपीएचसी का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो खासकर डी फार्मा, बी फार्मा, जीपैट, डीआई, फार्मासी, इन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं स्किन का आपको ओवरव्यू दूंगा। बेटा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है? और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बच्चे कुछ इंटरेस्टेड है नहीं, तो वैसे कोई टेंशन की बात नहीं है, फिर भी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका तो फ़र्ज़ बनता है, इस चीज़ को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। घर बैठ के पढ़ने को आपको मौका मिल रहा है, ठीक है? तो खैर, वो कोई बात नहीं, फिर भी हम टॉपिक को शुरू करते हैं बेटा, स्किन। तो हम स्किन में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ स्किन। हम पढ़ेंगे इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ स्किन, स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, डायग्राम ऑफ स्किन एंड फंक्शन ऑफ स्किन, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में देखते हैं, तो स्किन होता है वो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी होता है, ठीक है? ये बॉडी को पूरी तरह से कवर करके रखता है, लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, ठीक है? और ये क्या होता है, लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। दो तरह की लेयर होती है इसमें, वैसे हम तीन तरह की लेयर बोलते हैं, लेकिन जनरली जो उसके ओवरव्यू अगर हम देखें तो स्किन की दो लेयर होती है, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। कौन सी होती है? एपिडर्मिस एंड डर्मिस, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारी सबसे ऊपर की लेयर होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होती है वो 5 मल्टीपल सब लेयर से मिलके हुई बनती है, ठीक है? जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लुसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। इसको हम बोलते हैं मालफीजी, ठीक है? क्या बोलते हैं इसको? मालफीजी। इस चीज़ को याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक है बेटा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है? सपोज़ यहाँ पर एक गमला रखा हुआ है, गमला तो सब जानते ही हैं, गमले के ऊपर, ठीक है, एक कैक्टस है, ठीक है? क्या है? एक कैक्टस है। उस कैक्टस के ऊपर मैंने क्या रख दिया? एक लस्सी का ग्लास रख दिया, ठीक है? क्या रख दिया? लस्सी का ग्लास रख दिया। इस लस्सी के ग्लास में क्या किया, इस लस्सी के ग्लास में मैंने क्या किया, ऊपर से पॉपकॉर्न डाल दिए, ठीक है? पॉपकॉर्न डाल दिए, तो पॉपकॉर्न जो हल्के थे वो तो सरफेस पे हो गए, ठीक है? और जो भारी थे वो इसके बॉटम पे चले गए, ठीक है? और जो जो बीच में बचा वो क्या हो गया? अपनी लस्सी हो गया, ठीक है? अब देखते हैं, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है? तो अब हम ये ट्रिक को याद रखते हैं। सबसे पहले लाइन से देखना, सबसे पहले ऊपर जो है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्न। क्या बोलते हैं? कॉर्न। कॉर्न मतलब पॉपकॉर्न, है ना? कॉर्न, तो इसको क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है? क्या बोलते हैं? स्ट्रेटम कॉर्नियम। दूसरी दूसरी जगह यहाँ पे बीच में तो लस्सी है ना, तो लस्सी को हम बोलते हैं ल्यूसीडम। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटम ल्यूसीडम, ठीक है? अब जो बॉटम, जो ग्लास के जो बॉटम है, तली है, उसमें क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स होते हैं, क्योंकि वो भारी होते हैं तो ज़मीन पे हैं, तो उसको क्या बोल देंगे? ग्रेन्यूलोसम, ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है? ग्रेन्यूलोसम, ठीक है? अब ये ग्लास कहाँ रखा हुआ है? कैक्टस के ऊपर। अब कैक्टस में क्या होते हैं? कांटे होते हैं, कांटे को हम क्या बोलते हैं? स्पाइन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइन्स बोलते हैं, ठीक है? तो ये क्या हो गए? स्पाइनोसम, ठीक है? अब ये कैक्टस कहाँ पे लगा हुआ है? कैक्टस लगा हुआ है गमले में लगा हुआ है, ठीक है? अब गमले, गमले में क्या प्रेजेंट है बेटा? मिट्टी प्रेजेंट है, ठीक है? क्या प्रेजेंट है? मिट्टी प्रेजेंट है। तो मिट्टी, अगर मिट्टी प्रेजेंट है तो अब वो क्या होता है? जर्मिनेट हो रहा है, ठीक है? जर्मिनेट हो रहा है मतलब जर्मिनेटिवम, ठीक है? क्या हो रहा है? जर्मिनेटिवम, जर्मिनेट हो रहा है। तो बेटा ट्रिक याद रखिए, एक गमला है, गमले के अंदर कैक्टस लगा हुआ है, कैक्टस के ऊपर हमने लस्सी के ग्लास रख दिया, लस्सी के ग्लास में हमने डाल दिए पॉपकॉर्न, तो पॉपकॉर्न जो हल्के हैं वो सरफेस पे तैरेंगे, जो भारी हैं वो ज़मीन पे मतलब उसकी बॉटम पे आ जाएंगे, ठीक है? अब ये कहाँ रखा हुआ है? कैक्टस के ऊपर रखा हुआ है। कैक्टस में क्या प्रेजेंट होते हैं? कांटे प्रेजेंट होते हैं, स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। कैक्टस कहाँ लगा होता है? मिट्टी में, जो जर्मिनेट होता है, ठीक है? हम बोलते हैं ना उगता है मतलब जर्मिनेट होता है, ठीक है? तो अब शुरू से देखते हैं, जो कॉर्न है, जो सरफेस पे पड़े हुए हैं वो हल्के कॉर्न है, तो उसको क्या बोल देंगे? स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है? बीच में क्या प्रेजेंट है? लस्सी, लस्सी मतलब खाली लस्सी है, तो उसको बोलेंगे स्ट्रेटम ल्यूसिडम, ठीक है? उसके बाद ग्लास के जो बॉटम है, जो तली है, उसमें भारी टुकड़े प्रेजेंट होते हैं पॉपकॉर्न के, मतलब वो ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है? तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रेन्यूलोसम, ठीक है? इसको कहाँ रखा हुआ है? कैक्टस के ऊपर मतलब कांटे के ऊपर, तो कांटे को हम क्या बोलते हैं? स्पाइन्स बोलते हैं, मतलब ये क्या हो गया? स्ट्रेटम स्पाइनोसम,
ठीक है। अब ये कैक्टस कहाँ पे उगा हुआ है? मिट्टी में उगा हुआ है, उगा हुआ है मतलब जर्मिनेट हुआ है, तो लास्ट लेयर क्या हो गई? जर्मिनेटिवम। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं बेटा। ठीक है, ये होती है स्किन की एपिडर्मिस की 5 लेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डर्मिस। जो डर्मिस होती है वो एपिडर्मिस के नीचे की लेयर होती है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, फाइबर्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होती है, लिम्फ वेसल्स होती है, कैपिलरीज होती है, नर्व्स होती है, स्मूथ मसल्स होती है, हेयर रूट्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होती है, सेबेशियस ग्लैंड्स होती है। अब मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, जो स्वेट ग्लैंड होती है, जो स्वेट ग्लैंड यहाँ पे लिखा हुआ है स्वेट ग्लैंड, और यहाँ पे लिखा है सेबेशियस ग्लैंड। ठीक है, जो स्वेट ग्लैंड होती है ये होती है हमारी ऑयल ग्लैंड। क्या होती है? हमारी ऑयल ग्लैंड होती है। ठीक है, सॉरी, इस चीज़ को मैं सुधारना चाहूँगा, जो स्वेट ग्लैंड होती है, स्वेट ग्लैंड जो होती है हमारी, ठीक है, जो हमारी क्या होती है? स्वेट ग्लैंड होती है। स्वेट मतलब पसीना, मतलब ये स्वेट रिलीज करती है। और जो सिबेशियस ग्लैंड होती है, सिबेशियस ग्लैंड रिलीज करती है हमारा ऑयल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये होती है बेटा लेयर्स ऑफ ह्यूमन स्किन। ध्यान से देखिए बेटा, ये होती है लेयर्स ऑफ ह्यूमन स्किन। इसमें मैंने बोला सबसे ऊपर की लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस, दूसरी लेयर को बोलते हैं डर्मिस। वैसे तो ओवरव्यू में इन दोनों को याद रखा जाता है, लेकिन एक और लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। अब देख सकते हैं बेटा, एपिडर्मिस में 5 लेयर्स होती है। पहली होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, दूसरी होती है स्ट्रेटम ल्यूसिडम, तीसरी होती है ग्रेन्युलोसम, फोर्थ होती है स्पाइनोसम, फिर लास्ट होती है बेसल लेयर। इसी को बोलते हैं जर्मिनेटिवम। जो एपिडर्मिस की ये जो चारों लेयर होती हैं, स्पाइनो, स्ट्रेटम कॉर्नियम, ल्यूसिडम, ग्रेनुलोसम, स्पाइनोसम, ये होती है डेड सेल्स। ठीक है, ये क्या होती है? डेड सेल्स होती है। जो लास्ट की बेसल लेयर होती है, ठीक है, क्या होती है? बेसल लेयर होती है। बेसल लेयर को बोलते हैं हम जर्मिनेटिवम। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कनेक्टेड होती है हमारी डर्मिस लेयर से। मतलब डर्मिस लेयर में क्या होते हैं? हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाता है, ब्लड सप्लाई बढ़ता है। इसी की वजह से ये से जो बेसल लेयर होती है ये लाइव होती है, ठीक है, लिविंग होती है, और बाकी के लेयर डेड सेल्स होती है। फिर आता है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के अंदर बहुत सारे ये देख सकते हैं टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं, हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्किन की। स्किन का फंक्शन क्या हो गया? आप ही को बताया है कि बेटा ये लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी होता है। लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, तो ये प्रोटेक्ट करके रखती है एनवायरमेंटल इफेक्ट्स है, केमिकल इफेक्ट्स है, फिजिकल इफेक्ट्स है, माइक्रोबायोलॉजिकल इफेक्ट्स है। ठीक है, ये प्रिवेंट करके रखती है लॉस ऑफ वाटर से। कैसे लॉस ऑफ वाटर से प्रिवेंट करके रखती है? हमारी स्किन के ऊपर जो ग्लैंड्स होती है, अभी मैंने बताया सेबेशियस ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं ऑयल ग्लैंड्स, ये कहाँ प्रेजेंट होती है? डर्मिस लेयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये ऑयल को सिक्रेट करती है। आपने देखा होगा गर्मी के टाइम पे ऑयल ज़्यादा सिक्रेट होता है, जिसकी वजह से जो हमारा वाटर लॉस है वो ज़्यादा नहीं हो पाता। इसी की वजह से वो प्रिवेंट करती है हमारी बॉडी से वाटर के लॉस को। इसका पीएच होता है 4.5 से 5.5। ठीक है, 5.5 ये क्या होता है? स्लाइटली एसिडिक होता है। स्किन क्या होती है? लार्जेस्ट ऑर्गन होती है हमारी बॉडी की। ये फैसिलिटेट करती है लोकोमोशंस को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक्सक्रीशन और होम्योस्टेसिस को। ये रेगुलेट करती है बॉडी के टेम्परेचर को। ठीक है, एक्सक्रीशन करती है बॉडी के टॉक्सिन्स को, ठीक है, जो बॉडी में जमा होते हैं, तो पसीने के थ्रू, ऑयल के थ्रू ये बॉडी से बाहर निकालती है। ठीक है, होम्योस्टेसिस का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। ठीक है, आपने देखा होगा ठंड के टाइम पे जब हमें ठंड लगती है तो हमारी बॉडी एकदम से टेम्परेचर को इंक्रीज़ करती है। ठीक है, बॉडी का सडन टेम्परेचर इंक्रीज़ करती है ताकि बॉडी में बैलेंस रहे, लो रेगुलेट रहे, टेम्परेचर का रेगुलेशन रहे। ठीक है, उसके बाद ऑयल सिक्रेट करती है। ठीक है, ये देख सकते हैं बेटा, ये हम आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। ये पूरा ओवरव्यू ऑफ स्किन है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है।